कि जनता ने अगर चुना है तो गांव के विकास के लिए चुना है। उसके बाद भाई अगर गांव ने लिख के दे दिया उसमें कार्रवाई भी होगी। कोई भी काम आप जांच कर सकते हो, अगर गांव में गड़बड़ी उसकी पेमेंट में गड़बड़ी उसकी जांच आपका अधिकार है, लेकिन किसी काम को रोक देना ये अधिकार इस देश का कानून है। मेरे ऊपर भ्रष्टाचार और द्वेष भावना रखने के प्रति उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया। डिपार्टमेंट का मंत्री यहाँ तो क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ऐसे सरपंच को आपने बना लिया और सब वोट के अधिकार से पुनः एक वोट की हार जीत थी कोई मायने रखी बना दिया। हम बधाई देके गए थे, मैंने उनको बधाई देने का भी काम किया। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा द्वेष भावना से आप अपने गाँव की सरपंच ना करें। ये अधिकारी बैठे बहुत से अधिकार सरकार के पास होते हैं, अगर आपने डेवलपमेंट नहीं भेजी हमने राइट टू रिकॉल कानून बनाया रखते हुए मेरे साथ मतलब गांव के अंदर भेदभाव किया जा रहा है और मंत्री जी के जो आदमी है वो मुझे दबाने की प्रयास कर रहे। मंत्री जी गांव के अंदर आकर माफी नहीं मांगते, हम ऐसे ही उनका विरोध करते रहेंगे। फतेहाबाद के गांव में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली द्वारा गांव के मौजूदा सरपंच को खुले मंच से चेतावनी देने का मामला तूल पकड़ने लगा है। मंत्री ने चेतावनी दी थी कि सरपंच बनने का मतलब यह नहीं है कि गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया। मंत्री का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद गांव के सरपंच नरेंद्र सामने आए। उन्होंने मंगलवार शाम डीसी को मांग पत्र सौंपा और उसके बाद टुहाना आकर पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें पंचायत मंत्री पर उन्हें अपमानित करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मंत्री अपने शब्दों के लिए गांव में आकर माफी मांगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो उनका विरोध करेंगे। साथ ही सरपंच ने चेतावनी दी है कि 23 तारीख को मंत्री द्वारा करवाए जा रहे मधुर मिलन समारोह का वो विरोध करेंगे। पत्रकारों से सरपंच ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। मैं सर किसी काम से राजस्थान गया हुआ था, हमारे को रिलेटिव है मतलब बीमार थे बीकानेर एडमिट, उनसे मिलने के लिए गया हुआ था और मंत्री के भाई का फोन आया कि आपके गांव में प्रोग्राम है रामदेव मंदिर के आगे, तो आपको पहुंचना है। मगा जी जरूर पहुंचेंगे। उसके बाद में उन्होंने मतलब प्रोग्राम वहाँ से कैंसिल करके पूर्व सरपंच रविंदर धानिया जी के घर पर प्रोग्राम कर दिया और वहाँ पे आके मंत्री जी ने मेरे ऊपर भ्रष्टाचार और द्वेष भावना रखने के प्रति उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए। और जो रविंदर धानिया जी हैं उन्होंने चुनाव के वक्त हमारी पूरी खिलाफत की थी और मेरे अपोजिट कैंडिडेट था जो उसकी मतलब है हद से ज़्यादा सपोर्ट की थी, हमारी उनके साथ बनती नहीं है। और मैं ऐसी समाज से हूँ और बबली जी ने आपका खुद का कैंडिडेट उतारा था और उसकी जितनी हुई उसकी मदद की इलेक्शन के अंदर उसको जिताने के लिए, लेकिन वो एक वोट से हार गया। और ये मतलब द्वेष भावना रखते हुए मेरे साथ मतलब गांव के अंदर भेदभाव किया जा रहा है और मंत्री जी के जो आदमी है वो मुझे दबाने की प्रयास कर रहे हैं। और हमने अभी तक एक ईंट भी गांव के अंदर नहीं लगाई है, जिससे हमने तो अभी तक मतलब काम ही शुरू नहीं किया है और मंत्री जी कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार है और गुंडागर्दी करते हैं। लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं, लेकिन वही जो मनरेगा लेवल का काम होता है सरपंच अधिकारिक क्षेत्र में आता है वो मंत्री जी के आदमी है जो वो खुद करना चाहते हैं और वो फिलहाल कर रहे हैं, उन्होंने काम भी नहीं निकलवाया है और मेरे ऊपर फोर्स कर रहे हैं कि आप साइन करो काम हम करेंगे। और जो काम गांव के अंदर चल रहा है उस चीज़ का मैं ना जिम्मेदार हूँ और ये बात मैंने विनोद जी जो बबली का भाई है वहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। भाई कल को अगर ये लो लगाए सोना लगाए मैं इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन वो भी मेरे ऊपर फोर्स कर रहे हैं कि आप साइन करो। कौन कह रहा है जी आपको? ये विनोद बबली विनोद मंत्री जी का भाई कह रहा है, ये फोर्स कर रहे हैं सर। तो आज आप ये शिकायत और, इस मामले में। हाँ, और जो मेरे ऊपर है मंत्री जी के द्वारा दाग लगाए गए हैं गाँव के अंदर, और मैं सीएम साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस चीज की छानबीन करके मुझे न्याय देने का काम करें और हम मिलकर जो मिलन समारोह है 23 तारीख को हम बुन्ना ब्लॉक के जितने भी सरपंच हैं जितने उनका खुलकर विरोध करेंगे। और जो मेरा अपमान किया गया गांव के अंदर है, जब तक मंत्री जी गांव के अंदर आकर माफी नहीं मांगते हम ऐसे ही उनका विरोध करते रहेंगे। बता दें कि ब्लॉक के अन्य सरपंचों ने भी उनके साथ होने का दावा किया है। मंत्री बबली द्वारा 23 जनवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम मधुर मिलन समारोह, जिसमें मुख्यमंत्री भी आएंगे, उस कार्यक्रम का भी वह मिलकर विरोध करेंगे। ये हम सारे स्टेट के सरपंचों सबको ये बात कही है और हमारा सब सरपंचों का ये कहना है कि मंत्री जी हमारे पास आए और हमसे माफी मांगे। ये अकेले इनकी बात नहीं है, पूरे सब सरपंचों की बात है। हमारी पंचायत की सबसे छोटी इकाई है, हमें भी लोगों ने जिता कर ही यहाँ पर सरपंच बनाया है और इनको हमारे से थोड़ी बड़ी पंचायत है तो इनको भी लोगों ने जिताया है, तो हमारा पद भी कोई कम पद नहीं है, संवैधानिक पद है
और हम इनसे बबली जी से कहते हैं कि हमारे पास आके माफ़ी मांगे, तो अदरवाइज इनके मधुर मिलन समारोह का हम बहिष्कार करेंगे और पूरे स्टेट के सब सरपंच साथ हैं। बता दें कि हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली अपने गर्म तेवरों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उनका फतेहाबाद के गांव में आयोजित कार्यक्रम में गांव के ही सरपंच नरेंद्र के नहीं पहुंचने से एक बार फिर तीखा अंदाज देखने को मिला। देवेंद्र बबली ने सरपंच के खिलाफ बोलते हुए कहा कि वह कोई गलतफहमी ना पाले, जनता ने मात्र एक वोट से उनको जिताया है और गांव के विकास के लिए चुना है। अब देखना होगा कि क्या मंत्री सरपंच से आकर माफी मांगेंगे या फिर ये मामला और आगे बढ़ता जाएगा। टोहाना से सुशील सिंगल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।